हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ आप लोग के सामने दो लाइन लेकर के कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना पड़ता है, तभी वो पूरे होते हैं। तो आज का दिन आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। आइए मिलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं किचन में। किचन का काम करने के लिए ये देखिए, ये है मेरा हाउस। इसमें तिल, कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक, इतना मिर्चा बुकनी, इतना तो मैंने मिलाया है, लेकिन और भी अब मिला कर रखूँगी। बहुत सी चीज़ें जो बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, बना रहे हैं घी। तो हमेशा से ही दिखाई हूँ मैं कि घी मैं घर में ही बना लेती हूँ, जितना दूध आता है उसका मलाई निकाल करके। तो आज फिर से बन रहा है मेरा घी। देखिए मस्त तैयार हो रहा है। और इधर देखिए पुदीने का पत्ता, ये देखिए सुखा के रख लिए थे, ये इसको तैयार कर लेंगे। और इसको भी थोड़ा अलग से रख लेंगे और बाकी हर्ब्स मिलाएंगे, आप लोगों को भी दिखलाएंगे। और ये है थोड़ा कड़ी पत्ता, देखिए सुखा के रखी है, ये भी मिला देंगे। बनके तैयार। अब ये हर्ब्स वाले में थोड़ा डाल देंगे, थोड़ा रख लेंगे रायता वगैरह में डालने के लिए। करी पत्ता, दोस्तों सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो ये मेरा नाश्ता देखिए आ गया है, हर्ब्स का पराठा। सारा इसमें तिल, कसूरी मेथी, अजवाइन और कई तरह की चीज़ें इसमें, नमक और मिर्चा की बुकनी, और यही सब मिला हुआ है इसमें। तो पहली पहली बाइट मीठी चटनी से आप सब लोग भी खाइए और स्वाद बताइए। बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी बना करके रख लीजिए एक डिब्बा में। हम तो बना के एक डिब्बे में रख, उसमें सब कई तरह की चीज़ें आप मिला सकते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे पुदीने का पत्ता सुखा कर उसमें मिला सकते हैं, करी पत्ता सुखा कर मिला सकते हैं, और धनिया पत्ता भी अगर आप सुखा दें रख दें टोकरी में सूख जाए तो वो भी मिला सकते हैं। मीन्स कई पत्ते, जैसे कसूरी मेथी है वैसे ही वो सब भी उसका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे पास जो जो था उसको बना लिए थे। और तिल, तिल तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। को मिल लीजिए, गुड मॉर्निंग जी सर।
मॉर्निंग आप लोग, बहुत दिन के बाद बना है आलू का पराठा चावल। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग भी अपना हाल चाल बताएं और क्या क्या नाश्ता कर रहे हैं वो जरूर बताएं। मैं तो रोज पूछती रहूंगी। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पे न्यू आए हैं वो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक कर लें तो और का ऑप्शन आता है, उसको भी क्लिक कर लें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते ना रहें, पूरा पूरा वॉच करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें और हमें उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो आप सब इसका जरूर से ध्यान रखें। तो आज के लिए, अभी के लिए बाय बाय। जय श्री राम।